खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 84% से ज्यादा केस महाराष्ट्र, पंजाब समेत 6 राज्यों में सामने आए हैं। यहां कई राज्यों में स्कूल बंद करने का फरमान भी लगातार जारी हो चुका है। लॉकडाउन और रैपिड एंटीजन टेस्ट जैसी सख्ती शुरू हो गई है। तो वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। वहीं गुजरात के 4 महानगरों में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। वहीं बात यूपी की करें तो 31 मार्च तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राज्यों में खतरे को लेकर अब रोजाना नए नए फैसले किए जा रहे हैं। महामारी रोकना अब यहां बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है, लिहाजा सख्ती दोबारा अमल में शुरू हो गई है ताकि हालात काबू में किए जा सके। सबसे चिंताजनक हालात महाराष्ट्र के दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ देश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही नजर आ रहा है, तो यहाँ लगातार मरीजों का ग्राफ भी बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। वहीं अब होली पर महाराष्ट्र पंजाब में सख्ती कर दी गई है। तो आंकड़े यहाँ बता रहे हैं कि 84% से ज्यादा केस महाराष्ट्र पंजाब समेत 6 राज्यों में सामने आए हैं। यहाँ कई राज्यों में स्कूल बंद करने का फरमान भी लगातार जारी हो चुका है। तो यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन रैपिड एंटीजन टेस्ट जैसी सख्ती हो गई है। तो यहाँ इस बीच अब यूपी में भी 8वीं क्लास के स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। तो यहाँ पंजाब में भी कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात के 4 महानगरों में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। वहीं यूपी में 31 मार्च तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं राज्यों को अब खतरे में, यानी कि अब राज्यों में जो खतरे हो रहे हैं उनको अब बाहर निकालना ही होगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष तिवारी जुड़ रहे हैं। मनीष, लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही नजर आ रहा है, तो यहाँ अब मरीजों का ग्राफ भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो इस बीच अब इस मामलों को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाने होंगे? जी बिल्कुल साधना जी, बता दें कि सरकार अपने अपने स्तर पर, हर राज्य की सरकारें जो है अपने स्तर पर कोशिश यही कर रही हैं कि किसी तरह से इस पर काबू किया जाए, कंट्रोल किया जाए इस कोरोना को। हालांकि ये बहुत हावी होता जा रहा है लगातार। और ये बता दें कि 84% से ज़्यादा केस महाराष्ट्र में आए हैं, जबकि पंजाब समेत 6 राज्यों के सामने आए हैं ये 84% केसेस। और कई राज्यों में स्कूल बंद करने का फरमान भी जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में जो है तो लॉकडाउन और रैपिड एंटीजन टेस्ट जैसे सख्ती शुरू हो गई है। हालांकि पंजाब में कई शहरों में नाइट कर्फ्यू पर लागू है। हालांकि और भी जो यहाँ के जो CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और भी कई कड़े कदम फैसले ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। वही गुजरात की बात करें तो 4 महानगरों में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वही यूपी में यदि बात करें तो 31 मार्च तक स्कूल जो हैं यहाँ के 8वीं क्लास तक के बंद कर दिए गए हैं। और राज्यों में खतरों को लेकर के अब रोजाना नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकारें इस पर लगातार सतर्क है और नए नए फैसले ले रहे हैं, और इस पर लगातार मंथन भी चल रहा है। कल आपको बता दें, कल तीरथ सिंह रावत भी जो है उत्तराखंड के CM है, उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आई है। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती है, यानी क्वारंटीन किया गया है। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।